हाय एवरीवन, मैं हूँ अनुपमा और आज के वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत सिंपल तरीका, जिससे कि जो आपके फ्लेयर्ड प्लाजो होते हैं जिसमें नीचे वर्क हो रखा हो या बॉर्डर पे लेस वगैरह लगी हो, तो उसको आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं बिना उसका जो डिजाइन है उसको बिना कट किए। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम इस टाइप के प्लाजो खरीद लेते हैं लेकिन हर किसी की हाइट एक जैसी नहीं होती, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो अपने हिसाब से ऑल्टर करने में ये लगता है कि कैसे करें, डिजाइन कट तो नहीं जाएगा। तो मैंने बहुत सिंपल तरीका बताने की कोशिश की है, इससे आपके जो टेलर को देने वाले पैसे भी बचेंगे और आप खुद से बिना मशीन के बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने प्लाजो दिखाया है ये वीवा का है, दुपट्टा भी वीवा का है और कुर्ता जो है ये विशुद्ध का है। तो ये बहुत पहले मैंने लिया था, कई साल पुराना है, तो कुर्ता मुझे नहीं पता कि अब मिलेगा कि नहीं एग्जैक्टली सेम, लेकिन मैं दुपट्टा और प्लाजो का लिंक देने की कोशिश करूंगी, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वीवा का प्लाजो है और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर है, इस पे 4 साढ़े 4 इंच का बॉर्डर है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास फ्लेयर्ड प्लाजो होता है तो उसको मोड़ने में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसको मोड़े क्योंकि इसका बॉर्डर कट जाएगा। तो उसके लिए मैं तरीका जो बता रही हूँ, मैंने एक चौक लिया है और जितना आपको मोड़ना हो, जितना आपको रिमूव करना हो पार्ट, उतने पे आप निशान लगा लीजिए बॉर्डर के अलावा। जैसे ये मुझे लगभग 2 इंच बड़ा आ रहा है लेकिन मैंने इसको वॉश नहीं किया है, तो 1.25 इंच का मैं गैप ले रही हूँ, मतलब उतना मुझे जो फोल्ड करना है वो पार्ट में बॉर्डर से ऊपर निशान लगा रही हूँ। मतलब जितना आपको मोड़ना हो, जितना आपको एक्स्ट्रा है आपका लेंथ, उतना आप बॉर्डर के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो मैं ये चौक से निशान लगा रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको अंदाजा ना हो तो आप अपना कोई पुराना पजामा या प्लाजो या जो जिस चीज़ का आप नाप लेना चाहते हैं या सलवार, उस हिसाब से इसको नाप सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंच टेप हो ही, क्योंकि जो लोग नॉर्मली सिलाई नहीं करते उनके पास इंच टेप नहीं होता है। और इसी तरीके से हमने इसके चारों तरफ, दोनों जो इसके फ्लेयर्स हैं चारों तरफ हमने इसमें निशान लगा लेना है। और निशान लगाते समय अगर आपको अंदाजा ना हो तो आप स्केल वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि इक्वल लगे, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो। और इस तरीके से आप जो आपके अनारकली होते हैं, फ्लेयर्ड अनारकली जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर होता है, उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने मोड़ा है, जहाँ से मैंने निशान लगाया जहाँ तक, वो निशान पे इस तरीके से आ रहा है, मतलब इसके बीच से हमने मोड़ना है इसको। और इसके लिए आप ऑल पिन यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की पिन यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा एक जगह पर टिका रहे। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा सिलाई में बैठा नहीं हुआ है तो आप ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। और जैसे ये फ्लेयर्ड है, नीचे से अम्ब्रेला टाइप का इसका डिज़ाइन है, तो इसको जो मोड़ेंगे आप तो थोड़ा सावधानी आपको ये रखनी है कि हर जगह से इक्वल, जो भी हम इसका वो ले रहे हैं जितना मोड़ना है हमने, वो इक्वल रहे, क्योंकि कहीं कम ज़्यादा अगर हो गया तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने ऑल पिन से पूरा इसको निशान लगा लेना है। और आप चाहें तो मशीन से सिल सकते हैं अगर आपके पास मशीन है, नहीं तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मशीन से ही सिलना है आपको। और इसी तरीके से मैं पूरे में निशान आपको पूरे में ये ऑल पिन लगा के दिखा रही हूँ। जैसे ये फ्लेयर्ड है तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हमने इक्वल करके निशान लगाना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, कोई भी अम्ब्रेला स्कर्ट आप ऑल्टर कर रहे हो या प्लाजो ऑल्टर कर रहे हो या अनारकली कुर्ता ऑल्टर कर रहे हो, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्ट्रेट होता है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होती। और इस टाइप का जो अम्ब्रेला टाइप का डिज़ाइन होता है तो उसमें ये नीचे से इक्वल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ऊंचा नीचा। और मैं आपको बता रही हूँ इसमें सिलाई करके कि अगर आप जैसे मशीन से सिलना चाहें तो पहले एक रनिंग स्टिच लगा लें, और मैं दूसरे कलर के धागे से इसलिए बता रही हूँ, जैसे आप मशीन से सिलते हैं और रनिंग स्टिच दूसरे कलर की होती है तो उसको निकालना आपको इजी होता है। ऑल पिन की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप सिंपल सी रनिंग स्टिच लगा लें जहाँ जहाँ आपको सिलना है, तो उससे मशीन की जो सिलाई होगी बिल्कुल सही जगह पे आएगी, हिलेगी नहीं। और ये ज़रूर दूसरे कलर के धागे से करें, क्योंकि सेम कलर के धागे से करेंगे तो फिर रनिंग स्टिच आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे कहाँ से निकालें, और जो मशीन के स्टिच है वो निकलने का डर रहता है। और सिलने के बाद ये इस तरीके से आएगा, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अगर आपको मशीन से सिलना है तो इस टाइप की पहले सिलाई आप कर लें दूसरे धागे से, और इसी तरीके से आपको पूरा सिल लेना है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हर जगह से सिलाई इक्वल हो,
कहीं ऊंचे नीचे ना हो, नहीं तो फिर वो नीचे से अच्छा नहीं लगेगा। और ये आप देख रहे हैं इसका बॉर्डर बिल्कुल भी हमने नहीं काटा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी जो सिलाई हम अगर जैसे हाथ से हमें करनी है तो हम किस टाइप की सिलाई करेंगे, वो भी मैं पहले आपको इसी धागे से बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो इसके लिए सबसे अच्छी रहती है बैक स्टिच, जैसे इस तरीके की स्टिच, ये बहुत मजबूत होती है। मैं आपको इस धागे से करके दिखा रही हूँ थोड़ी दूर ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि सेम कलर के धागे से इसमें दिखेगा नहीं। बैक साइड से इस तरीके से और फ्रंट साइड से इस तरीके से होती है। अब मैं ब्लू कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ जो इसी कलर का है, जो फाइनल स्टिच करने के लिए। और पहले भी मैंने कई ऑल्ट्रेशन की वीडियो बनाई है, तो आप लोगों का रहता है कि हाथ से सिलाई करते हैं तो मजबूत रहती है कि नहीं। तो जो ऑल्ट्रेशन मैं करती हूँ उसके बाद मैं उसको ऊपर मशीन नहीं चलाती हूँ, हाथ वाली ऑल्ट्रेशन में हाथ वाला ही यूज़ करती हूँ। और पहले टाइम में हर किसी के पास मशीन नहीं होती थी तो ज़्यादातर लोग हाथ से ही सिलाई करते थे, पूरा पूरा ड्रेस हाथ से स्टिच हो जाता था। और ये बैक स्टिच काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरीके से हमने चारों तरफ दोनों प्लाजो में बैक स्टिच लगा लेनी है। और हमने ऑलरेडी ऑल पिन वगैरह लगा रखा है तो हमें इस सब की दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसको सिल सकते हैं। क्योंकि अगर ऑल पिन नहीं लगा रखी होती है तो ये पंगा होता है कि बार बार इसको एडजस्ट करना होता है, और इसमें ऑलरेडी ऑल पिन लगा हुआ है तो हमें बार बार इसको हर जगह से एडजस्ट करने की दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप 4 से 5 इंच अगर आपको मोड़ना हो नीचे तो भी आप मोड़ सकते हैं इजीली। इससे आपको ना कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम अगर काट दें, काट के शॉर्ट करें तो फिर उसमें इंटरलॉक की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें इंटरलॉक कराने का भी आपको झंझट नहीं रहेगा। और ये तो खैर कॉटन है, इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कटिंग करने में ये होता है कई बार ज़्यादा कट गया कम कट गया, ये इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे कि बॉर्डर थोड़ा सा और हैवी हो जाए और ये बिल्कुल एक जैसा मिला हुआ लगे, ये ना लगे कि अलग से हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको पहले इसे बिठा लेना है, आयरन कर लेना है, जिसे आयरन करने से बिल्कुल सही जगह पे बैठ जाएगा। आप चाहें तो पहले इसमें ऑल पिन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आयरन करके करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जो हमने सिलाई किया है तो ये पार्ट हमें नीचे लेके जाना है, जहाँ पे बॉर्डर है वहीं पे लेके जाना है, क्योंकि बॉर्डर ऑलरेडी हैवी है और ये थोड़ा सा और उसमें वेट ऐड कर देगा, जिससे कि फ्लेयर्ड प्लाजो और अच्छा लगेगा। और ये स्कर्ट में भी आप कर सकते हैं, लहंगे में भी कर सकते हैं, और जो नेट वगैरह के लहंगे होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पास पास में आपको ऑल पिन लगाना पड़ेगा जिससे बिल्कुल मेजरमेंट सही बैठे, क्योंकि वो कपड़ा खिसकता है इसकी वजह से। और ये तो खैर कॉटन था, नीचे की तरफ जैसे ये कपड़ा आप ले आएंगे तो अगर पतला कपड़ा जैसे नेट वगैरह का भी आप करते हैं इस तरीके से तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो हमने सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। और बॉर्डर वैसे भी हैवी होता है, बॉर्डर में काफ़ी सारे अस्तर लगे होते हैं और डिज़ाइंस होती हैं, लेस होती हैं। उसके बाद हमने जैसे इसको आयरन कर लिया, आयरन करने के बाद हम इसमें ऑल पिन लगा लेंगे। ऑल पिन लगाने से ये सिक्योर हो जाएगा और हमें सिलने में आसानी होगी। इसको चाहे तो आप ऐसे भी सिल सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन या ऑल पिन ये लगाने से ये मुड़ेगा नहीं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कहीं लूज रह गया तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता, फिर बॉर्डर में फिनिशिंग नहीं लगती है। तो इसी तरीके से मैं पूरा लगा रही हूँ। और आप चाहें तो पहले हाथ से एक लूज रनिंग स्टिच भी लगा सकते हैं अगर आपको मशीन से सिलनी है तो, नहीं तो हाथ से सिलनी है तो ऑल पिन वगैरह लगा के कर सकते हैं। और अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है सिलाई में तो आपको इस ऑल पिन वगैरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से मैंने पूरे में लगा लिया है, मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लगाए हैं, आप चाहे तो पास में लगा सकते हैं। और मैं आपको पहले इस धागे से बता रही हूँ, लाइट कलर के धागे से कैसे हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमें लगानी है जैसे हम फॉल लगाते हैं तो इसमें जो तुरपाई होती है, मतलब नीचे की साइड बिल्कुल बारीक टाके और ऊपर बड़े, जैसे साड़ी में फॉल लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये ऊपर तो हम ऑलरेडी सिल चुके हैं इसको, बस ये नीचे से इसके साथ टाँकना है जिससे कि ये अलग से ना ये भागे कपड़ा। तो उसके लिए हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिल रहे हैं, और मैं आपको इस कलर के धागे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सिलाई कैसे कर रही हूँ मैं। ऊपर हमने बैक स्टिच लगाई थी और नीचे हमने जैसे फॉल में लगाते हैं वैसे लगानी है। अब मैं प्रॉपर जो ब्लू कलर का धागा है उससे कर रही हूँ, वो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, क्योंकि इस धागे से तो आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि सेम कलर का कपड़ा है और सेम कलर का थ्रेड है।
और इसको हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे तो बिल्कुल ये बॉर्डर का ही पार्ट लगेगा, ये जो हमने मोड़ा है। तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने 1.5 इंच के करीब मोड़ा है, तो इससे 4-5 इंच तक का भी बॉर्डर है, मतलब 4-5 इंच तक का भी आपको नीचे से फोल्ड करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी मतलब लेंथ ज़्यादा बड़ी आ रही है प्लाजो की, 5 इंच से भी ज़्यादा, फिर तो उसको कट करके ही करना सही रहता है। और उसमें आपको बॉर्डर भी थोड़ा सा कटेगा क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और 2 से 2.5 इंच तो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि उसमें फ्लेयर का भी चक्कर नहीं पड़ता, ऊपर नीचे के में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता इसलिए। और इसी तरीके से मैंने ये पूरा कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये बिल्कुल ही मतलब इसी का पार्ट लग रहा है बॉर्डर का। फिर उसके बाद आप इसे आयरन कर लेंगे, तो आयरन करने के बाद बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसको कहीं से भी ऑल्टर किया है, कुछ किया है। ये इस तरीके से देखने में लग रहा है, और ये लग नहीं रहा कि हाथ की सिलाई की है, बिल्कुल लग रहा है मशीन की तरह। तो बैक स्टिच से मजबूती आ जाती है, जहां मजबूती का काम था वहां मजबूती वाला काम किया है हमने, और बाकी तुरपाई की है। और इसी तरीके से दोनों प्लाजो मेरे तैयार हो चुके हैं, दोनों साइड के पैर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। और ये मुझे जितना बड़ा आ रहा था मैंने उतना ही इसको ऑल्टर किया है, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इस तरीके की लुक है इसकी प्लाजो की। और इसके साथ मैंने दुपट्टा जो टीम किया है ये भी बीबा का है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हील्स के साथ ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसका फ्लेयर चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। और बहुत इजीली आप इसे घर पे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, अनारकली कुर्ते को भी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि उनके लिए यूजफुल हो सकता है। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।